हेमंत सोरेन जी के तरफ से आप लोगों का कुछ बात हुआ है क्या? आप लोग जो धरना पे बैठे हुए हैं, क्या कुछ वहाँ से आश्वासन दिया गया है, क्या कुछ कहे हैं? भैया इलेक्शन अपने जगह पे है, आप जनप्रतिनिधि हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन आपके लोग हैं, आपके क्षेत्र के लोग हैं और ये मुद्दा भी आपका है और यहाँ के विधायक अमर कुमार बावरी जी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जितना हम लोगों का शरीर को तल्ली तल्ली उन लोग मार दे, हम लोग मार खाने के लिए तैयार हैं, मार भी खा सकते हैं। इन लोगों की इच्छा अगर है तो जेल भी इन लोग पहुंचा सकता है, लेकिन ना हम लोग ना झुके हैं और ना टूटे हैं ना टूटेंगे। आप ही लोगों का सरकार है तो क्या लग रहा है कि ये वार्ता सफलपूर्वक हो जाना चाहिए, क्योंकि आप ही लोगों का सरकार? एक साल तक इन लोगों को ट्रेनिंग कराने के बाद जो कंपनी के द्वारा इन लोगों को बताया कि वार्ता हुआ, उस चीज में ना रखते हुए इन लोगों को पुनः भेंडर में धकेलने का प्रयास किया। जोहार, नमस्कार, और आप देख रहे हैं झारखंड की बात, और ये आप देख पा रहे होंगे जो कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलोक्टी स्टील बेदंता प्लान में, जो कि आज जितने भी यहाँ पे गेट है सब गेट जाम हो चुका है और जितने भी गाड़ी है सबको रोक दिया गया है। और देख पा रहे होंगे जो कि मेरे साथ अभी मौजूद है विजय रजवार जी। और चलिए, आज ये जाम किस लिए हुआ है, किस लिए नहीं, पहले भी यहाँ पे बहुत सारे जाम हुआ है, बहुत सारे वार्ता वगैरह हुआ है, आज जो यहाँ पे जाम वगैरह हुआ है किस लिए जाम हुआ है, क्या कुछ नहीं और क्या कुछ मांग है? दादा जोहर। दादा जोहर भाई, तो झारखंड की बात को चैनल को जितना सब्सक्राइब है सभी लोगों को जोहर। दादा इस तरह पहले भी बहुत सारा जाम हुआ था और फिर से आज एक जाम करने के लिए जा रहे हैं आप लोग? निश्चित रूप में हुआ ही होगा, हुआ ही था, आज भी हुआ है। और आज का जो मुख्य हम लोग जिस मुद्दा को लेकर, जिस मांग को लेकर यहाँ पे उपस्थित हैं, मौजूद हैं, जाम जो हुआ है, ये 95 रैयतों को जो एक साल तक इन लोगों को ट्रेनिंग कराने के बाद जो कंपनी के द्वारा इन लोगों को बताया कि वार्ता हुआ, उस चीज़ में ना रखते हुए इन लोगों को पुनः भेंडर में धकेलने का प्रयास किया। हम लोग लिखित रूप से जिला प्रशासन, मैनेजमेंट और संबंधित थाना क्षेत्र के जो थानेदार लोगों को, सारे लोगों को सूचना दिए कि भाई आप जो यहाँ का स्थानीय लोगों का जो मांग है, और मांग भी क्या रहा है, अगर हमारे पूर्वज, हमारे खानदान के लोग यहाँ पे ज़मीन अगर दिए तो उसके एवज में आप नियोजन दीजिए, ताकि हमारे बच्चे जो हैं उस सुख शांति से रह सके, अपना भरण पोषण हम लोग ढंग से कर सकें। अच्छा दादा, ग्रामीण के हित में अगर कुछ बात नहीं होता है तो क्या कीजिएगा आप लोग? आपके सामने नतीजा है भाई, अभी हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हम लोग बैठे कहाँ हैं? तो क्या इसी तरह धरने पे बैठे रहिएगा? निश्चित रूप में भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अपने अधिकार के लिए, अपने मांग को लेके हम लोग निश्चित रूप में शांतिपूर्ण ढंग से बिना कुछ किए हुए हम लोग अपने मांग को मांग रहे हैं। और हम लोगों को उम्मीद है कि इन लोगों को देना होगा, जब तक देंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, आप लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या कुछ प्लांट के तरफ से कोई अधिकारी, कोई जो है उनके तरफ से कुछ खबर आया था कि वार्ता करने के लिए रेडी है क्या? देखिए, अभी तो हम लोग यहाँ पे, ये हम लोगों को लग रहा है कि तीसरा गेट पे हम अभी आए, और यहाँ आने के बाद हमारे एक जो प्रभारी हैं, थाना प्रभारी, इनके माध्यम से कोई सूचना दिया गया कि आपको, आप लोगों के साथ, रैयतों के साथ प्रबंधक जो है बात करने के लिए तैयार है, बात करना चाहता है। तो हम लोग ऐसा नहीं हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग भी बात नहीं करना चाहते, हम लोग भी बात करना चाहते हैं। हम लोग 20 दिन पहले इन लोगों को लिखित रूप से मांग पत्र सौंपें कि ये हम लोगों का समस्या है, समस्या का आप निराकरण करिए। आप अगर कर लेते हैं तो हम लोगों को ये जगह जो बैठे हुए हैं, ये जो आपका गेट जो जाम है, ये सब का चीज़ का आवश्यकता ही नहीं है। और हम लोग भी चाहते हैं कि लोग अगर ज़मीन दिए हैं तो लोगों को सुरक्षापूर्वक रोजगार मिले, लोग यहाँ के काम मिले, लोगों का घर द्वार ठीक से चले, अपना भरण पोषण ठीक ढंग से कर सके। हम लोग तो क्या मांग रहे हैं आपसे? दादा JMM सरकार, जो आप ही लोगों का सरकार है, तो क्या लग रहा है कि ये वार्ता सफलपूर्वक हो जाना चाहिए, क्योंकि आप ही लोगों का सरकार है? भाई JMM का झंडा जब गड़ाया है, आदरणीय गुरुजी हेमंत सोरेन जी का जब झंडा गड़ाया है, तो निश्चित रूप से आप इतना जान के रहिए कि वार्ता और जो हम लोगों का मांग है वो सार्थक रहेगा, और तब तक नहीं मानेगा तब तक हम लोग छोड़ने भी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग आपको बता दे रहे हैं, हम लोग उस नेता का चेला है, हम लोग छोटा कार्यकर्ता ही कहेंगे, जो विगत अभी वर्तमान में आप लोग देखें कि एक झूठा जमीन के केस में उनको जेल में भी डालने का काम किए, और आनन फनन में 150 दिन तक जेल में भी डालने का काम किया, जेल में भी रहें, टूटे नहीं है भाई, और हम लोग भी नहीं टूटेंगे। हम लोग उसका चेला है, हेमंत सोरेन का चेला है, कंपनी का लाठी जितना हम लोगों का शरीर को तल्ली तल्ली उन लोग मार दे,
हम लोग मार खाने के लिए तैयार हैं, मार भी खा सकते हैं। इन लोगों की इच्छा अगर है तो जेल भी इन लोग पहुंचा सकता है, लेकिन ना हम लोग ना झुके हैं और ना टूटे हैं ना टूटेंगे। अच्छा, हेमंत सोरेन जी की तरफ से आप लोगों का कुछ बात हुआ है क्या? आप लोग जो धरना पे बैठे हुए हैं, क्या कुछ वहाँ से आश्वासन दिया गया है, क्या कुछ कहे हैं कि? देखिए, हमारा यहाँ का स्थानीय समस्या है और हम लोगों का जो लोगों का समस्या है, आज मोदी डी हो, भागा बांध हो, या सियार जोड़ी हो, चंदाहा हो, कुमाटाल हो, या जो प्रभावित क्षेत्र के गांव हैं और जो यहाँ के जमींदार लोग जमीन दिए हैं, रैयत जो जमीन दिए हैं, उसके एवज में क्या मांग रहे हैं लोग, क्या मांग रहे हैं लोग? मांग तो यही रहे कि नियोजन हम लोगों को चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार दीजिए। और जो कंपनी का हिसाब से रोजगार है उस पेरोल पे हम लोगों को रोजगार चाहिए, यही तो मांग रहे हैं। तो क्या हमारा जो खेत था वो हमको साल भर में हर साल फसल देती थी जिसमें हमारा घर चलता था, ठीक है? तो वो खेत तो हम आपके नाम कर दिए, तो कम से कम आप उतना तो हमारा व्यवस्था कर दीजिए तो खेत ना सही, कम से कम हम खट के भी अपना घर द्वार चला सके। हम आपसे मांग क्या रहे हैं? रोजगार मांग रहे हैं, अपना हक, अधिकार मांग, अपना हक मांग रहे हैं, जो हमको मिलना चाहिए, जिस चीज़ के लिए हम डिजर्व करते हैं वो चीज़ मांग रहे हैं, यही तो मांग है भाई। जितने भी जहाँ पे प्लांट बैठते हैं, इंडस्ट्री बैठते हैं, वहाँ का एक नियम रहता है कि जहाँ आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं उनको सुविधा दिया जाए, बट यहाँ पे कुछ उस तरह का सुविधा नहीं दिया जाता इस प्लांट के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे भाई? कहो तो बहुत कड़ा लगता हो, लेकिन सुने तो भेतो, ठीक हो? हम लोगों का यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है या हुआ करते हैं, इन लोगों को कम से कम ये सब चीज़ में ध्यान दे के, चाहे वो CSR फंड के माध्यम से हो या अगल बगल का जो डेवलपमेंट का बात करें, जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ के लोगों को कैसे शुद्ध पानी मिलेगा उसका बात करें, स्वास्थ्य का ध्यान में रखना होगा, क्योंकि धुआं तो हर समय लोग खा रहे हैं, ठीक है? वो सब चीज़ का ध्यान रखते हुए वो सब चीज़ का बात होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, ताकि यहाँ के बच्चे पढ़ लिख सकें। लेकिन पता नहीं भाई क्यों गूंगा बन के बैठे हुए हैं, हमको नहीं पता। हम अभी भी आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि भैया इलेक्शन अपने जगह पे है, आप जनप्रतिनिधि हैं बहुत अच्छा है, लेकिन आपके लोग हैं, आपके क्षेत्र के लोग हैं, और ये मुद्दा भी आपका है और यहाँ के लोगों का है, इस सब मुद्दा को भी आप यहाँ पे भी उठाइए और ज़रूरत पड़ेगा तो सदन में भी उठाइए और इसका कार्रवाई कराइए, हम लोग भी ताली बजाएंगे। यहाँ के विधायक अमर कुमार बावरी जी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, हम क्या कहना चाहेंगे, हम यही कहेंगे कि जो प्लांट का रवैया है और यहाँ के लोग जो प्रभावित हैं उन लोगों को न्याय मिले, वो प्रयास करें कि कम से कम यहाँ के लोगों को न्याय मिले, हम यही कहेंगे। ये देख सकते हैं विजय रजवार जी ने अभी कहे हैं, जो कि इन लोगों का साफ कहना है कि इस बार अगर वार्ता नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं ये प्लांट बंद हो सकता है, जो कि अब देख पा रहे होंगे काफ़ी लोग यहाँ पे, आप पीछे देख पा रहे होंगे पीछे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, जितना भी यहाँ पे प्लांट में गेट है सब गेट एक एक करके गेट सब गेट बंद है, और सभी गेट पर अभी लगभग जितने भी यहाँ पे कार्यरत मजदूर हैं और ग्रामीण हैं और समर्थन है, जितने जो प्लांट में जमीन दिए हैं जो जमींदार हैं उन लोग सब मिलके अभी गेट को जाम किए हैं, और कहीं ना कहीं ये वार्ता जहां तक लग रहा है सफल होने का संभावना है। दादा जोहार रहेगा तो चैनल के, बहुत बहुत जोहार रहो तो, और उम्मीद करबो कि तोर माध्यमों कम से कम बाकी लोग तक तो ये मैसेज जाए चाहिए कि सकारात्मक बातचीत करके इन लोग माने, इन लोगों का सद्बुद्धि दे भगवान, और सद्बुद्धि के साथ कम से कम यही लोग नहीं, चाहे ठेका मजदूर का हम लोग बात करें या बहुत ऐसा मामला है जो थोड़ा थोड़ा चीज़ को लेके कंपनी निकाल दे रहा है, ये सब चीज़ को भी ध्यान दे, और जो भी मैंने हक अधिकार इन लोगों का रहे वो हक अधिकार से खिलवाड़ ना करे, और खिलवाड़ करेगा तो भाई विजय रजवार है और उनके लोग हैं जो हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।